आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के बाद कई राज्यों में विस्तार में जुटी है। इसी के तहत महाराष्ट्र के पदवीधर चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपने हाथ आजमा रही है। पार्टी ने राज्य में 3 स्थानों पर यहां पदवीधर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। पत्रकार वार्ता कर पार्टी ने घोषणा की है कि नागपुर, अकोला, अमरावती, नासिक परिक्षेत्र में उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। डॉक्टर भारती दभाड़े पर आम आदमी पार्टी ने भरोसे जताते हुए अकोला अमरावती परिक्षेत्र में पदवीधर चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र में शुरुआत से सभी पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। परिवर्तन लाना ये बहुत जरूरी है और मेरा क्षेत्र शिक्षण है तो मैं आखिरी तक इस चीज के लिए प्रयास करूंगी कि बदलाव आएगा और अपने अकोला का नाम जरूर महाराष्ट्र के अंदर पहले आएगा कि परिवर्तन लाया, आम आदमी पार्टी ने परिवर्तन लाया। इस उम्मीद के साथ में मैं खड़ी हूँ और मेरे को बहुत अच्छा साथ मिल रहा है लोगों का। कोई होता है कि घर बैठ के साथ देता है, कोई बाहर आके साथ देता, पर खुशी इतनी दुगनी हो रही है हर जगह पे जहाँ जाती हूँ कि लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो खुश हैं कि भाई कोई बदलाव लाने के लिए खड़ा है। शिक्षा पदवीधर मतदार संघ में उम्मीदवार जाहिर किए हैं, उनको पूरी तरह जाहिर तौर पर समर्थन जारी किया है। पहले उम्मीदवार है हमारे डॉक्टर देवेंद्र वानखड़े नागपुर परिक्षेत्र से, दूसरे उम्मीदवार है डॉक्टर भारती दाभाड़े मैडम, वो अकोला अमरावती परिक्षेत्र से है, और तीसरे उम्मीदवार नगर और नासिक परिक्षेत्र से, उनका नाम ईश्वर पाटिल है। शिक्षण की जो प्रणाली है आज, शिक्षण की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर तब्दीली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।